हाय गाइस, वेलकम टू टुडे साउथ, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे टॉलीवुड के कुछ ऐसे स्टार्स के बारे में जिन्होंने या तो डिवोर्स ले लिया या हो गया उनका ब्रेकअप। सबसे पहले नाम आता है रश्मिका मंदाना और रक्षित शेट्टी का। बता दें कि रक्षित और रश्मिका पहली बार फिल्म क्रिक पार्टी में नजर आए थे। ये फिल्म रश्मिका की डेब्यू फिल्म थी और फिर इन दोनों ने 2017 में एंगेजमेंट भी की, लेकिन ठीक एक साल बाद इन्होंने ब्रेकअप कर लिया और इसकी वजह थी कि रश्मिका अपने करियर पे फोकस करना चाहती थी। त्रिशा वरुण मनियम, बता दें कि त्रिशा वरुण ने राणा दुगुबती के साथ ब्रेकअप के बाद वरुण मनियम के साथ एंगेजमेंट की थी, लेकिन तुरंत ही उनकी एंगेजमेंट टूट गई और इसकी वजह यह बताई जाती है कि वरुण चाहते थे कि शादी के बाद वो अपनी फिल्मी करियर को छोड़ दे और ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। अखिल एकिनेनी और श्रेया भोपाल, बता दें कि अपने एंगेजमेंट के कुछ दिनों बाद ही इन दोनों ने भी अपने रिलेशनशिप को तोड़ दिया। इन दोनों ने एंगेजमेंट साल 2017 के 9 दिसंबर को की थी और फिर कुछ ही दिनों बाद इन दोनों ने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। फिर इसी कड़ी में एक नाम आता है मंचू मनोज और प्रणीति रेड्डी का। इन दोनों ने शादी की और शादी के बाद ठीक 4 साल में इन लोगों ने डिवोर्स ले लिया। इनका रिश्ता सिर्फ 4 साल ही चल पाया और फिर ये अलग हो गए। प्रभु देवा और नयनतारा, बता दें कि करीब 3.5 साल के रिलेशनशिप के बाद प्रभु देवा और नयनतारा ने ब्रेकअप कर लिया। वहीं बात करते हैं सौंदर्य रजनीकांत और अश्विन कुमार की, तो बता दें कि सौंदर्य और रजनीकांत और अश्विन कुमार दोनों ने ही 2017 में डिवोर्स ले लिया। ऐसे लिस्ट में और भी कई नाम हैं जिन्हें जानकर आप शॉक हो जाएंगे, जैसे कि अमाला पौर और एएल विजय। इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं और इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।